तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइंड डिस्क। दोस्तों, मुझे पता है कि आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। आपका स्मार्टफोन लॉक हो चुका है, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क करने हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अगर सेम स्थिति अगर आपके साथ ऐसा ही है तो बिल्कुल सही वीडियो को आपने प्ले किया है। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि अगर आपका फ़ोन लॉक हो जाता है, ये गलती से आपके किसी घर वाले से लॉक हो जाता है, आपके पेरेंट्स से लॉक हो जाता है, आपके बच्चे से लॉक हो जाता है, या फिर आपकी वाइफ से, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड से लॉक हो जाता है, तो आपको इसमें डरने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कहीं सर्विस सेंटर जाने की जरूरत। घर बैठे आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको हमारे ही चैनल पे देखने को मिलती है कि हम अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन के लॉक को बहुत ही आसानी से, बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, बिना किसी इंटरनेट की मदद से, बिना किसी डेटा केबल कंप्यूटर की मदद से, आप अपने फ़ोन को खुद से ही अनलॉक कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और एंड तक देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे ये सब चीज़ किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, हाल ही में हमने 100 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट किया है, यानी कि 100,000 सब्सक्राइबर को गेन किया है, तो आप गिववे में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। हमारा एक गिववे चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, आप एक माइक जीत सकते हैं और बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके पास। जी हाँ दोस्तों, इस मंथ तक में, ये लास्ट जो है जनवरी तक ही इसका गिववे रहेगा, उसके बाद जो है फरवरी में मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि विनर कौन होगा। तो किसी एक को माइक मिलेगा जो कि बोया का MM1 माइक है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त माइक होता है ब्लॉगिंग के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने मुद्दे पे और बात करते हैं कि कैसे एक स्मार्टफोन के लॉक को आप बहुत ही आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। इसके लिए कुछ खास आपको ट्रिक करना पड़ेगा, और ये जो ट्रिक है आपका बिल्कुल 100% सेफ है। कोई डेटा आपका डिलीट नहीं किया जाएगा, कोई मैसेज डिलीट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, जो स्टेप को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप उसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले नीचे जो है इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन आता है, ये देखिए नीचे जो है इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन आता है, तो आपको इसी इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको इसी इमरजेंसी कॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये यहाँ पे हमारा इंजीनियर मोड है इमरजेंसी कॉल वाला, और इसको यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉल वाला एक ऑप्शन आ गया। अब यहाँ जो डायलर पैड है, इस डायलर पैड पे हम कुछ नंबर्स को टाइप कर रहे हैं। ये जो नंबर्स है आप इसको हैज लगा के यूज कीजिएगा। देखिए कुछ इस तरीके से ये नंबर है, हैज लगा के इसको यूज करना है, कॉल कर लेना है। 1, ये देखिए 2, 3, 4 एंड 5, 5 टाइम्स हमें इसको कॉल कर लेना है और इन सारे नंबर्स को यहाँ से हटा देना है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टार है, Z99 और हैज यूज करना है। ये देखिए, इसे कहते हैं दोस्तों इंजीनियर मोड। देखिए इसको आपको, ये देखिए यहाँ पे ये इंजीनियर मोड का जो मेन पेज है, इसको कहते हैं इंजीनियर मोड। तो ये इंजीनियर मोड का मेन पेज है, इसी की मदद से आप अपने स्मार्टफोन को अनलॉक कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए सबसे पहला जो काम करना है, सॉफ्टवेयर वर्जन पे चले जाना है। सॉफ्टवेयर वर्जन पे हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे स्मार्टफोन का जो, ये देखिए नीचे जो है आपका ओ टी ए वर्जन हमारा यहाँ पे 117 है। ध्यान रखिए, OTA वर्जन मैक्सिमम आपके पास 120 होना चाहिए, मैक्सिमम 120 और उसके नीचे ही होना चाहिए। 20 भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन अगर 21 है तो फिर ये काम नहीं करेगा। ये होता है OTA वर्जन, ध्यान से देख लीजिए, इसे ही कहते हैं OTA वर्जन। और अब यहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सिंपल सा इस तरीके से करना है और मैनुअल टेस्ट पे जाके क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करना है। सारे ऑप्शन को इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए स्क्रॉल कर लेंगे और एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर, इसको पास कर दीजिएगा, बैक चले जाइएगा और की स्टेटस को कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपके फ़ोन में, ध्यान से देखिए आपके फ़ोन में जितने भी लगे हुए लॉक थे सबका नाम यहाँ पे है, जो जो कीज होते हैं यहाँ पे सबके नाम यहाँ पे, यहाँ पे इंक्लूडेड गूगल का भी की है, ये देखिए गूगल का भी की है, तो ये भी इंक्लूडेड होता है। और आपके गूगल का FRP भी यहाँ पे कंप्लीट अनलॉक हो चुका है, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से बैक करना है, 1, 2 एंड 3,
थर्ड टाइम में आपका स्मार्टफोन जो है 100% अनलॉक हो जाएगा। आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका फ़ोन अनलॉक हो चुका है। डेटा कॉपी करके इसे हार्ड रीसेट जरूर कर दीजिएगा, ये आपके लिए सेफ रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप नीचे हमें कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।